बिसम रिम अमल तसरफ नी डिजिटल एक्सरसाइज टू पॉइंट वन है इसको स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कि आपने जो भी क्वेश्चन देखना है या कोई भी इसमें डेफिनेशन है या कोई भी कंसेप्ट इसमें यूज़ हुआ है तो आप डिस्क्रप्शन में जाएँ डायरेक्टली उस क्वेश्चन को उस पार्ट्स को डायरेक्टली देख सकते हैं आप तो स्टार्ट करते हैं सबसे इसका पहले क्वेश्चन नंबर वन इसमें कहता है वाट नंबर इज एडिड टू मेक द दिक्वेंसर यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा नंबर ऐड करें जिससे ये सीक्वेंस बनती है तो इसमें दूसरे अल्फाज में कौन सा नंबर है जिसके ऐड होने से ये सीक्वेंस बनती जा रही है ये बनी है ठीक है तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास ऐसे भी आप कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है इसमें कौन सा हमने जो है नंबर ऐड किया है जिससे ये ये सीक्वेंस बनी हुई है ठीक होगा जी तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक वर्ड यूज हुआ है सीक्वेंस सिकवेंस है क्या पहले इस चीज़ को डिफाइन करेंगे ठीक हो इसको डिफ़ाइन करेंगे तो फिर हम नेक्स्ट इसके पार्ट्स की तरफ चलते हैं इसके कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि सिकवेंट क्या होता है वाट इज़ सीक्वेंस सीक्वेंस हमारे पास होता है अ सीक्वंस इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स आर अ सिकवेंस इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स आर सेट ऑफ नंबर इन आर पार्टिकुलर आर्डर फॉलोड बाय सम सीक्वेंस जो होता है वो सेट ऑफ नंबर होता है कोई जिसके अंदर कोई पार्टिकुलर आर्डर होता है या दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि सम रूल के तहत वो सीक्वेंस रेडी होती है तैयार होती है जब भी कोई सीक्वेंस हमें नज़र आती है तो वो उसके अंदर कुछ एक रूल पाया जाता है उन नंबरस के अंदर एक तरतीब दी जाती है ख़ास तरतीब एक अरेंजमेंट होती है उन नंबर्स के अंदर जिससे एक सीकेंस तैयार होती है तो से हम देखते हैं जैसे कि हमारे पास थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन अप टू सो ऑन ये एक सीक्वेंस है कैसे सीक्वेंस सिकवेंस कैसे पता चला कि ये एक सीक्वेंस है पहले हम चेक करेंगे कि बाकी ये सीक्वेंस है या नहीं मेरे मेरे पास ऐसे ही नंबर आ गए जैसे थ्री कौमात के साथ ये नंबर आ गए और साथ अप टू सो ऑन लगा दे गया मैं अब चेक करने लगा लगाऊँ कि ये एक सीक्वेंस है या नहीं तो सीक्वेंस कैसे चेक होगी कि इसके अंदर कोई रूल पाया गया इसके अंदर कोई तरतीब हुई कोई अरेंजमेंट हुई उस वक्त हम इसको सीक्वेंस मानेंगे तो यहाँ पर देखें थ्री के बाद सिक्स आया सिक्स के बाद नाइन आया नाइन के बाद ट्वेल्व आया ट्वेल्व के बाद फिफ्टीन आया ये कैसे आया कैसे पता चला कि थ्री के बाद सिक्स आना है सिक्स के बाद नाइन आना है नाइन के बाद ट्वेल्व आना है ट्वेल्व के बाद फिफ्टीन आना है तो यहाँ पर देखें थ्री और सिक्स के अंदर गैप कितने हैं थ्री में क्या ऐड करें मल्टीप्लाई करें सिक्स आए फिर नाइन आए तो थ्री में थ्री ऐड करते हैं तो बनता है सिक्स सिक्स में थ्री ऐड करते हैं बनता है नाइन नाइन में थ्री ऐड करते हैं ये बनता है ट्वेल्व और ट्वेल्व में हम थ्री एड करते हैं तो बनता है फिफ्टीन तो हमें पता चल जाएगा कि इसके बाद हमने थ्री ही ऐड करना है यहाँ पर जो हम नंबर ऐड कर रहे हैं वो थ्री है तो थ्री ऐड करने से एक नया नंबर मिल रहा है हमें तो फिफ्टीन के बाद फिफ्टीन में थ्री ऐड करेंगे एटीन मिलेगा एटीन में थ्री ऐड करेंगे तो ट्वेंटी वन मिलेगा इस तरह से थ्री थ्री ऐड करते जाएंगे और एक सीक्वेंस रेडी से रेडी हो जाता है तो ये एक सीक्वेंस है क्योंकि इसमें हर एक जो है नंबर्स दो नंबर्स के दरमियान थ्री का गैप है या इसको और एक तरीका चेक करने का छः में से ये नेक्स्ट में से प्रीवियस जो टर्म है उसको सब्टेक्ट करने पे हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या आता है जैसे तो कि छः में से तीन निकालें यहाँ पर सिक्स है सिक्स में से तीन निकालें तो ये तीन आंसर आता है फिर नौ है नौ से पहले छः है नौ में से छः निकालें फिर भी तीन आता है इन सब में से तीन का ही गैप है ऐड कर लें एक नंबर सेम नंबर थ्री होगा वो ऐड करने से और या हम दो टर्म लें इसमें कोई भी दो ले लें उनका जो डिफरेंस होगा उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं वो हमारे पास क्या होगा थ्री होगा हर एक का कॉमन डिफरेंस थ्री आए तो ये एक हमारे पास सीक्वेंस होती है तो यह हमें पता चल गया कि नेक्स्ट टर्म जो है वो क्या होगी थ्री ऐड करने से हमें नेक्स्ट टर्म मिल रही है या इनका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं इस तरह से वो थ्री आएगा तो थ्री इसमें ऐड करते जाएंगे तो एक नई टर्म मिलती जाएगी तो ये एक सीक्वेंस है ये एक सीक्वेंस है नेक्स्ट हमारे पास माइनस सिक्स माइनस फोर माइनस टू जीरो टू फोर अप टू सो ऑन अब यहाँ पर देखें जी इसमें क्या ऐड सबट्रैक्ट करते हैं जिससे हमें जो है एक नया नई नया, नया जो नई नया नंबर मिलता है तो माइनस सिक्स और माइनस फोर इनको हम क्या करते हैं सबट्रैक्ट करके देखते हैं अगर इनका डिफरेंस जो है सब टर्म का सेम हुआ तो ये हमारे पास सीक्वेंस होगी जैसा कि नेक्स्ट टर्म हमारे पास माइनस फोर है इसको हम इसमें ऐड कर लेते हैं माइनस सिक्स में सॉरी सबट्रैक्ट कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं ये माइनस फोर ये माइनस माइनस प्लस सिक्स छः में से चार निकाला यहाँ पर आ गया दो इसी तरह इस माइनस दो को माइनस चार में सब्रैक्ट करेंगे तो ये भी टू आंसर आएगा तो इन सब में गैप कितना का आ रहा है टू का तो अगर नया नंबर चाहिए तो हम टू ऐड करेंगे इसके साथ दो दो ऐड करते जाएंगे और नया का नंबर मिलता जाएगा और ये सीक्वेंस हमें मिल जाएगी तो ये भी एक सीक्वेंस है क्योंकि इसके हमें पता है कि इसमें टू ऐड करने तक नया नंबर में मिल रहा है इसके अंदर सम बेसिक जो रूल है जो सम रूल इसमें पाया गया है जो अरेंजमेंट्स है तरतीब है वो भी इसमें मौजूद है तो कोई भी नंबर्स की तरतीब जिसमें तरतीब पाई जो नंबर की तरतीब नंबर में कोई तरतीब या कोई सम रूल पाया जाए पार्टिकुलर आर्डर हो उसमें कोई ख़ास आर्डर हो तो उससे हमें पता चल जाता है कि वो सीकवेंस है तो ये भी एक सीकुंस है अब यहाँ पर देखें इधर है टेन माइनस नाइनटीन उसके बाद थाउजेंड आ गया फिर माइनस वन फिर थर्टी इसमें कुछ तरतीब नहीं है हमें पता नहीं चलेगा कि इसके बाद कौन सा नंबर मिलता है तो ये सीक्वंस नहीं है सिकवेंस वही होगी ये दोनों सीकवेंस की एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है ये सिकवेंस की एग्जाम्पल नहीं है इसमें एक बेसिक जो है एक तरतीब है इसमें अरेंजमेंट्स है नंबरों की तरतीब है ख़ास तरतीब जिससे हमें पता चल रहा है कि नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा तो सीक्वेंस आप समझ गए होंगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं इसमें वो सिंपल कह रहा है कि व्हाट नंबर इज एडेड टू मेक द सीक्वेंस क्या नंबर ऐड ऐड करने से ये सीक्वेंस हमें आ, मिलेगी तो यहाँ पर देखें फ़ोर है इधर एट है इधर ट्वेल्व इधर सिक्सटीन है इसमें देखें फ़ोर के बाद एट कैसे आया फोर में हमने फोर ऐड किया तो हमें एट मिला एट में फ़ोर ऐड किया फिर हमें ट्वेल्व मिला ट्वेल्व में फ़ोर ऐड किया तो हमें सिक्सटीन मिला इसका मतलब यहाँ पर जो हमारे पास डिफरेंस जो है वो फोर का है फोर का डिफरेंस है तो हम यहाँ पर इसका इसको आ, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं अब यहाँ पर हमें पता चल गया तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म पहली और दूसरी जो टर्म है ये टर्म इनको टर्म बोलते हैं ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये टर्म है सारी पहली और दूसरी टर्म में जो डिफरेंस है वो हमारे पास यहाँ पर क्या है टर्म्स आखिरी टर्म है दूसरी टर्म है एट और पहली टर्म है फोर इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर इसका आंसर अच्छा आता है फोर ये फोर इसमें इसका डिफरेंस है तो हमें डिफरेंस निकालना होगा हर दफ़ा तो ये फोर डिफरेंस है तो हमने वो कहते हैं कहा कि वाट नंबर इज़ एडिड टू मेक द सीक्वेंस कौन सा नंबर जिससे सीक्वेंस बनेगी तो वो हमारे पास नंबर फोर होगा हमने सिर्फ इसमें डिफरेंस निकालना होगा डिफरेंस निकालेंगे तो हमें वो डिफरेंस जो होगा वही नंबर होगा जिससे मिलकर ये जो सिक्वेंस रेडी हुई है तो सो फोर इज़ एडिड तो हमने फोर इसमें ऐड करना है नेक्स्ट हमारे पास इसमें सेकंड पार्ट है ट्वेल्व सेवेंटीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी सेवन तो यहाँ पर हम पहले सबसे पहले डिफरेंस निकालते हैं जी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म तो फर्स्ट और सेकेंड टर्म में डिफरेंस सेकेंड टर्म सेवनटीन है उसमें से ट्वेल्व को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें जो डिफरेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा ये इन दोनों में से फ़ाइव इसी तरह ट्वेंटी टू में से सेवनटीन को सब्ट्रैक्ट करें फिर फाइव मिलेगा ट्वेंटी सेवन में से ट्वेंटी टू को सब्लैक्ट करेंगे फिर फाइव मिलेगा तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ सो फाइफ इज़ एडेड इसमें फाइव ऐड होगा जिससे ये सीक्वेंस बनेगा नेक्स्ट इसमें थ्री पार्ट है तो यहां पर हम डिफरेंस निकालते हैं इनका डिफरेंस बिटवीन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड टर्म फर्स्ट एंड सेकंड टर्म तो यहाँ पर देखें सेकेंड टर्म यहाँ पर है ट्वेंट थर्टी फोर और फर्स्ट टर्म यहाँ पर ट्वेंटी एट है इनको सब्ट करने पे इनका जो डिफरेंस है इन दोनों टर्म का वो सिक्स है तो सिक्स को हम इसमें ऐड करते जाएंगे एक नया नंबर मिलता जाएगा तो ये सिकवेंस तैयार होगी अट्ठाईस तो में छः ऐड करें चौंतीस में छः ऐड करें चालीस में छः ऐड करें चालीस बन जाता है तो इसी तरह यहाँ पर वो कौन सा नंबर है सो सिक्स इज़ एडिड तो सिक्स इसमें ऐड करते जाएंगे

तो सेकेंड टर्म हमारे पास है वन ज़ीरो सिक्स और फर्स्ट टर्म यहाँ पर वन जीरो वन इस किस्म से सब्ट करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा फाइव एक सौ तो छः में से एक सौ तो एक को निकालेंगे तो फाइव आ गया सो फाइव इज एडिड फाइव इसमें ऐड होगा ठीक हो क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पर कंप्लीट होती नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू इसमें कहता है व्हाट नंबर इज मल्टीप्लाय टू मेक द सीक्वेंस इस सीक्वेंस को बनाने के लिए किस नंबर से किस अदर से ज़रब दी गई है सिंपल हमने वो नंबर निकालना है जब ऐड की बात हो मतलब ऐड की बात करें कोई नंबर ऐड करने की बात करें उस वक्त आपने डिफरेंस निकालना है जब मल्टीप्लाई करने की बात करें उस वक्त आपने रेशो निकालनी है उस वक्त आपने रेशो निकालनी है क्योंकि ये मल्टीप्लाई होने के बाद जो मिलता है उसके लिए रेशो होगी और जो ऐड करने की बात करे तो हमने उसको डिफरेंस निकालना है तो यहाँ पर देखें थ्री के बाद सिक्स सिक्स के बाद ट्वेल्व इसमें कुछ ऐड करने से ये नया नंबर नहीं आ रहा ये नया नंबर आ रहा है इसमें कुछ को डिवाइड करने तो जैसा कि यहाँ पर देखें नेक्स्ट टर्म है सिक्स सिक्स में सेकेंड टर्म ये फर्स्ट टर्म है थ्री थ्री सिक्स को थ्री पे डिवाइड करें तो इसका आंसर आता है टू इसी तरह ट्वेल्व थर्ड टर्म है और सेकेंड टर्म सिक्स इसमें डिवाइड करें इस फिर भी आंसर आता है टू तो ये इसका कॉमन रेशियो आर निकालते जा रहे हैं इसमें कॉमन रेशो आर कहते हैं वो निकालते जा रहे हैं तो यहां पर वो कहता है कि व्हाट नंबर इज मल्टीप्लाई टू मेक द सीक्वेंस कौन सा नंबर इसे मल्टीप्लाई करें तो वो जितने सिक्वेंस ये बनी हुई है तो वो नंबर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा यहां पर द रेशो बिटवीन सेकंड एंड फर्स्ट टर्म तो सेकेंड फर्स्ट टर्म की रेशो के लिए रेशो क्या होता है फ्रैक्शन होती है तो सिक्स को हम थ्री पे डिवाइड करेंगे तीन एक तीन तीन, तीन दो छः तो ये दो जो है ये रेशो है इस दो के मल्टीप्लाई होने से ये सीक्वेंस बनी हुई है तो यहाँ पर देखें दो को तीन से मल्टीप्लाई किया छः आ गया छः को दो से मल्टीप्लाई किया बारह बारह को दो से मल्टीप्लाई करें चौबीस चौबीस को दो अड़तालीस इस तरह से ये बनी हुई है तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ सो so, मतलब तो उसने सिर्फ इतना पूछा है कि वो नंबर बताएं जिसमें मल्टीप्लाई होने से ये सीक्वेंस तैयार हुई है तो वो नंबर टू है सो टू इज मल्टी तो दो इसमें मल्टीप्लाई हुआ है ठीक हो जी सेकेंड पार्ट है इसमें हमने बताना है कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होने के बाद ये सीक्वेंस बनाई गई है वो नंबर हमने बताना है तो इसके लिए हम रेशियो निकालते होते हैं तो यहां पर मैं लिखूंगा द रेशो बिटवीन सेकेंड एंड फर्स्ट टर्म सेकेंड और फर्स्ट टर्म की रेशो कैसे लिखेंगे टेन सेकेंड टर्म है और फर्स्ट है फाइव पाँच एक पांच पांच दो दस तो यहां पर इनकी जो रेशो है वो टू है ठीक हो जी तो सो टू इज मल्टीप्लाईड दो इसमें मल्टीप्लाई होने से ये सीक्वेंस बनी है नेक्स्ट हमारे पास है जी थर्ड पार्ट इसका इसको सॉल्व करते हैं सिक्स एटीन फिफ्टी फोर वन सिक्सटी टू अपू सो ऑन तो इसमें कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए सिक्वेंस बनाई गई है तो यहाँ पर मैं लिखूँगा द रेशो बिटवीन बिटवीन सेकेंड एंड फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म यहाँ पर है जी एटीन ओवर सिक्स सेकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म छ तीन अट्ठारह तो थ्री जो है वो मल्टीप्लाई हुआ है सो so, थ्री इज मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई हुआ है ठीक हो भाई नेक्स्ट चलते हैं इसके फोर पार्ट की तरफ इसमें सेवन फोर्टीन ट्वेंटी एट फिफ्टी सिक्स अपटू सोन तो यहाँ पर हम रेशो निकालते हैं द रेशो बिटवीन सेकंड एंड फर्स्ट टर्म सेकेंड यहां पर है फोर्टीन ओवर सेवन सात एक सात सात दो चौदह टू आ गया तो यहां पर मैं लिखूंगा सो टू इज मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई होगा ठीक होगा जी तो क्वेश्चन नंबर टू जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया जी जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री इसमें कहता है यूज द फर्स्ट थ्री टर्म्स इन द पैटर्न टू फाइंड द रूल ये थ्री टर्म हर एक क्वेश्चन के अंदर दी गई होंगी इसके दो पार्ट्स हैं वो कहता है कि इन थ्री टर्म फर्स्ट सेकंड थ्री थर्ड ये थ्री टर्म है इनको यूज़ करते हुए आपने रूल फाइंड करना है रूल से मराज ये होगा कि इसमें कैसे एक नया नंबर में मिला जैसे बावन है बावन के बाद सतावन हमें कैसे मिला सतावन के बाद सिक्सटी टू जो है ये कैसे मिला वो हमने नंबर तलाश करना है उस रूल के तहत ही ये सीक्वेंस तैयार हुई है तो यहाँ पर देखें इसके लिए बेसिक तरीका ये है कि आपने डिफरेंस निकालना है क्योंकि अगर हम इसमें देखते हैं तो आ, रेशो निकालने से रेशो से ये हमें नंबर नया नहीं मिलना डिफरेंस मिल जाएगा यहाँ पर यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म होगी उसको हम ए वन रखेंगे सेकंड को ए टू और थर्ड को ए थ्री तो यहाँ हम डिफरेंस निकालते हैं तो ए टू डिफरेंस निकालने का तरीका होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो सेकंड टर्म है यहाँ पर फिफ्टी सेवन माइनस फिफ्टी टू सतावन में से बावन को फिफ्टी सेवन में से फिफ्टी टू को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता है फाइव इसी इसी तरह इन दोनों का डिफरेंस कर लिया फिर इन दोनों का डिफरेंस करते हैं ये थर्ड टर्म है थर्ड टर्म को हम ए थ्री कहेंगे थर्ड टर्म ए थ्री ए थ्री में से ए टू निकालेंगे तो हमारे पास आएगा सिक्सटी टू माइनस फिफ्टी सेवन बासठ में से सतावन को सब्ट करते हैं तो इसका आंसर आता है फाइव इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो हमें फ़ाइव मिला तो इन तीन टर्म का हमने यूज़ करने के बाद हमने ये नतीजा निकाला है कि ये इनका जो डिफरेंस है वो फाइव फ़ाइव आएगा आगे जो भी टर्म आएगी उसका डिफरेंस फाइव आएगा तो इसका मतलब यहाँ पर जो रूल है वो ये हुआ कि इसमें हमने फ़ाइव ऐड करना है हर एक टर्म में फ़ाइव ऐड करते जाएंगे कि नया नंबर मिलता जाएगा तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ सो रूल इज़ एड फाइफ ये रूल हमें मिल गया फाइव को ऐड करने से ये नई सीक्वेंस मिलेगी तो यही रूल है सो रूल इज़ फाइव नेक्स्ट नंबर हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है इसमें कहता है सेवेंटी एट एट्टी फाइव नाइन्टी टू अप टू सो ऑन तो इसमें भी वही तरीका हम अप्लाई करेंगे सबसे पहले हम निकालते हैं जी सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म इन दोनों का डिफरेंस है सेकेंड टर्म के लिए ए टू फर्स्ट टर्म के लिए ए वन यूज हुआ तो सेकेंड टर्म हमारे पास है जी एटी फाइव माइनस फर्स्ट फर्स्ट टर्म हमारे पास है जी सेवेंटी एट पचासी में से अठहत्तर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आता है सेवन आंसर आता है सेवन इसी तरह नेक्स्ट ए थ्री में से ए टू को सब्ट्रैक्ट करें थर्ड टर्म में से माइनस सेकेंड टर्म तो थर्ड टर्म हमारे पास है नाइन्टी टू माइनस एटी फाइव सेवन ठीक होगा जी हमें पता चला कि जितनी मर्जी टर्म आगे होंगी उनका डिफरेंस यही आएगा सेवन ही आएगा, 7 ही आएगा तो इसका मतलब ये रूल हमें मिल गया कि इसमें सेवन ऐड करने से हमें नया नंबर मिलता जाएगा और ये सीक्वेंस इस सेवन नंबर के ऐड होने से ही मिली है तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ सो रूल इज एडिड एड सेवन तो ये रूल है कि इसमें सेवन आपने ऐड करना है सेकंड पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट हो जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर है इसमें कहता है यूज़ पैटर्न रूल टू मेक द सीक्वेंस हमने सीक्वेंस बनाना है पैटर्न को ये पैटर्न रूल को इस्तेमाल करते हुए अब दो पार्ट्स हैं दोनों में अलग अलग बात की हुई है अब यहाँ पर वो कहता है इसका फर्स्ट पार्ट इसमें कहता है स्टार्ट एट एट एंड एट टू ईच टाइम हमने इसको इस पैटर्न को एट से स्टार्ट करना है तो जब हमने इस पैटर्न को ए से स्टार्ट करना है तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म हमें मिल गई फर्स्ट टर्म हमें मिल गई फर्स्ट टर्म जो होती है उसको हम ए वन से रिप्रेजेंट करते होते हैं तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर हमें मिल गई एट उसने कहा स्टार्ट एट ए इसको आपने आठ से आगाज करें और हर बार दो को जमा करें ऐड टू ईच टाइम हर बार आपने दो जमा करना है इसमें फर्स्ट टर्म मिल गई फर्स्ट टर्म में अगर हम उसने कहा ना हर एक हर हर बार आपने दो को ऐड करना है तो फर्स्ट टर्म में अगर हम एट एट है फर्स्ट टर्म तो अगर हम सेकंड टर्म बनाना चाहते हैं तो इसमें सिर्फ टू ऐड कर देंगे फर्स्ट टर्म ये है ना इसमें टू ऐड करते जाएंगे जब टू ऐड किया तो ए टू मिला वो टेन मिला ठीक होगा जी इसी तरह नेक्स्ट थर्ड टर्म बनानी है तो जो सेकंड टर्म है उसमें आपने टू ऐड करना है टेन प्लस टू इसको ऐड करें तो ये बनता है ट्वेल्व ठीक होगा जी नेक्स्ट ए फोर है आप देखें ये थर्ड टर्म है थर्ड टर्म हमारे पास है ट्वेल्व इसमें टू ऐड करना है टू ऐड करने से ये में मिल गया फोर्टीन इसी तरह ये चलता जाएगा अब हमें एक सीक्वेंस जो है एक सीक्वेंस का पैटर्न हमें मिल गया यहाँ पर सीक्वेंस है उसका पैटर्न क्या होगा उसकी तरतीब क्या होगी वो इधर से हमें एडिया हो गया तो हम यहाँ पर कहेंगे सो पैटर्न पैटर्न सो पैटर्न अब यहाँ पर देखें जो पैटर्नर है पैटर्न जो है वो ए, एट से स्टार्ट होगा मतलब उसकी फर्स्ट टर्म एट है उसके बाद सेकेंड टर्म जब टू इसमें ऐड किया तो वो मेरे पास टेन होगी फिर इसमें टू ऐड करने के बाद ये ट्वेल्व होगी फिर फोर्टीन होगी अप टू सो ऑन ये सीक्वेंस रेडी हो गया इसमें जो हमने पैटर्न रूल का इस्तेमाल किया जो कि वन था ठीक होगा जी तो ये इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसमें भी उसने अलग से एक बात की हुई है कहता है स्टार्ट एट थ्री स्टार्ट एट थ्री जब ये वो बात करता है ना कि तीन से शुरू करें इसका मतलब है कि उसने फर्स्ट टर्म की हमें बता दिया है कि ए वन जो सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है वो थ्री है यहाँ पर उसने क्लियर कर दिया एंड मल्टीप्लाई टू ईच टाइम वो कहता है कि स्टार्ट इससे लें और हर एक को मतलब तीन से शुरू करें और दो से सर्व कर दें ये बात उसने की है तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म मतलब ए वन जो है उसने हमें बता दिया थ्री है अगर ए वन थ्री है तो जब हम सेकेंड टर्म बनाएंगे तो उसके साथ उस उसके लिए हमने क्या करना है हर एक टर्म को दो से मल्टीप्लाई करें और पहली टर्म हमारे पास थी थ्री इसको टू से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका रिजल्ट आएगा सिक्स दो तीन छः ये सेकंड टर्म मिल गई अब हमने थर्ड टर्म लेनी है जब तो सेकेंड टर्म में था हमारे पास सिक्स इसको हमने टू से मल्टीप्लाई करना है दो छः बारह थर्ड टर्म मिल गई इसी तरह फोर्थ टर्म लेनी है तो थर्ड टर्म जो होगी उसको लिखें और उसके साथ आप टू को मल्टीप्लाई करवा दें जब टू से मल्टीप्लाई करवाया तो ये क्या आ गया ट्वेंटी फोर इस तरह से आपने इस टर्म को लेके कर चलना है तो यहाँ पर देखें तो ये बन गया थ्री उसके बाद सिक्स ट्वेल्व ट्वेंटी फोर आप टू सो ऑन ये सीक्वेंस रेडी हो गया जी तो मैं यहाँ पर जो पैटर्न चाहता था रिक्वायर्ड पैटर्न वो मिल गया मुझे तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सो पैटर्न पैटर्न जो हमें मिला यहाँ पर वो क्या मिला थ्री सिक्स ट्वेल्व ट्वेंटी फोर अप टू सो ये पैटर्न हमें यहाँ पर मिल जाते हैं ठीक होगा जी क्वेश्चन नंबर फोर जो इसका सेकंड पार्ट भी यहाँ पर कम्प्लीट होता है हमें सिर्फ यहाँ पर सीक्वेंस uh, चाहिए थी तो वो सीक्वेंस हमें मिल गई ठीक होगा जी नेक्स्ट मूव uh, करते हैं जी क्वेश्चन नंबर फाइव जी नेक्स्ट हमारे पास है फाइव क्वेश्चन इसमें कहता है फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द गिवन सीक्वेंस इसमें मिसिंग टर्म हमने देखनी है तो जब हम इस इतना क्वेश्चन आता है तो हमने फर्स्ट जो टर्म हमें स्टार्टिंग में दी गई होती हैं उनसे हम आइडिया लगाते होते हैं कि इसका जो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी यहाँ पर देखें सेवन के बाद टेन आया टेन के बाद थर्टीन आया अब हमने इसमें देखना ये है कि सात के बाद दस कैसे आया दस के बाद तेरह कैसे आया तो हम इसका डिफ्रेंस निकाल लेते होते हैं डिफरेंस होता है या रेशियो निकालनी होती है तो यहाँ पर अगर हम डिफ्रेंस निकालें तो यहाँ पर देखें डिफरेंस कैसे होता है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास है दस प्रीवियस टर्म हमारे पास है सेवन इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आता है थ्री इसी तरह नेक्स्ट थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आर आया तो इन दोनों का जो डिफरेंस आया इनका जो डिफरेंस आया कॉमन डिफरेंस वो क्या आया थ्री आया तो इसका मतलब हर एक टर्म के अंदर जब हम थ्री को ऐड कर रहे हैं तो नई टर्म मिल रही है सात में तीन ऐड किया दस मिल गया दस में तीन ऐड किया तेरह मिल गया तेरह में तीन ऐड करेंगे तो सोलह मिल जाएगा सोलह में तीन ऐड करेंगे तो उन्नीस मिल जाएगा उन्नीस में तीन ऐड करेंगे तो बाईस मिल जाएगा और बाईस में तीन ऐड करेंगे तो पच्चीस मिल जाएगा तो ये जो सिक्वेंस हमें मिल गई नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड पार्ट उसमें कहता है सिक्स ट्वेल्व एटीन ये थ्री इसमें जो टर्म है वो मिसिंग है और लास्ट में फोर्टी टू है तो यहाँ पर देखें सिक्स के बाद ट्वेल्थ कैसे आया ट्वेल्थ के बाद एटीन कैसे आया तो सबसे पहले हम क्या करते होते हैं नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म बारह में से छ निकाला आंसर आ गया छः इसी तरह नेक्स्ट थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म अठारह में से बारह निकाला इधर आ गया सिक्स तो यहाँ पर देखें इसका जो डिफरेंस आया वो क्या आया आया इसका मतलब इसमें हर एक के अंदर गैप वो सिक्स का है सिक्स में सिक्स ऐड करें ट्वेल्व बनता है ट्वेल्व में सिक्स ऐड करें तो वो एटीन बनता है और एटीन में सिक्स ऐड करें तो वो ट्वेंटी फोर बनता है इसमें सिक्स ऐड करें तो वो थर्टी बनता है इसमें सिक्स ऐड करें तो थर्टी सिक्स बनता है और थर्टी सिक्स में सिक्स ऐड करें तो फार्टी टू बनता है लास्ट वाली टर्म भी इसमें प्रूव हुई है नेक्स्ट चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ थर्ड पार्ट में कहता है ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी सेवेंटीन आप ये फिल इन इंदी ब्लैंक्स है इसमें लास्ट में फाइव आ रहा है अब ये देखें ये जो है डिसेंडिंग ऑर्डर है इसका वो था असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ी वैल्यू की तरफ जाना तो यहाँ है डिसेंडिंग ऑर्डर बड़ी वैल्यू छोटी तरफ आ रही है अब यहाँ पर देखें ट्वेंटी ट्वेंटी में ट्वेंटी थ्री है यहाँ पर ट्वेंटी है तो इनमें गैप देखें किसका गैप आ रहा है या आप देख लें ट्वेंटी थ्री माइनस ट्वेंटी आंसर थ्री फिर ट्वेंटी उसके बाद ट्वेंटी माइनस सेवेंटीन इसको सर्व प्रकट कर दो थ्री इनका भी डिफरेंस क्या आया थ्री आया तो यहाँ पर देखें तेईस के में तीन ऐड किया ट्वेंटी आया ट्वेंटी में तीन ऐड किया इसमें तीस ट्वेंटी थ्री में थ्री सप्लेक्ट किया तो ट्वेंटी आ गया इसमें थ्री सब्लेक्ट किया सेवनटीन आ गया सेवेंटीन में थ्री निकालेंगे तो हमारे पास आ जाता है फोर्टीन फोर्टीन में तो थ्री निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इलेवन इलेवन में तो थ्री निकालेंगे तो हमारे पास आ जाता है एट एट में से थ्री निकालेंगे तो यह हमारे पास फ़ाइव आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास है जी नाइन्टी एट नाइन्टी सिक्स नाइन्टी फोर और आप टू सो ऑन एटी सिक्स यहाँ पर देखें स्टार्ट ले रहा है नाइन्टी एट से और एंड हो रहा है एटी सिक्स तो पहले हम देखेंगे कि नाइन्टी एट और नाइन्टी सिक्स के दरमियान में जो गैप है वो कितना है तो यहाँ पर इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं यहाँ पर नाइन्टी एट माइनस नाइन्टी सिक्स सबटैक्ट किया आंसर टू फिर नाइन्टी सिक्स माइनस नाइन्टी फोर इसको सबटैक्ट किया तो आंसर टू इसका मतलब इनका जो डिफरेंस आया वो टू आया तो 98 में से 2 सब्जेक्ट किया 96 आया 96 में से 2 सब्जेक्ट किया तो 94 आ गया 94 में से 2 ऐड कर सब्जेक्ट करेंगे तो ये आ गया 92 इसमें से 2 निकालेंगे तो ये आ गया 90 90 में से 2 निकालेंगे तो ये आ गया 88 और 88 में से 2 सब्जेक्ट करेंगे तो ये 86 आ जाता है तो ये यह यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो फाइव है इसके फोर पार्ट्स कंप्लीट होते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स है इसमें कहता है फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस ये हमारे वो सीक्वेंस दी गई है आपने इसकी जनरल टर्म फाइंड करनी है जनरल टाइम से टर्म से यहाँ पर मुराद ये होगी कि आपने एक ऐसी जनरल टर्म बना लेनी है या एक ऐसा ऐसी मशीन या एक ऐसा टूल बना लेना है जिसमें आप तरतीब से नंबर पुट करते जाएँ तो वो हमें एक सीक्वेंस देगा ऐसी सीक्वेंस देगा जो हमें गिवन है मतलब इससे नेक्स्ट वाली टर्म भी उससे हमें मिलनी शुरू हो जाएंगी तो स्टार्ट करते हैं जी इसका फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट है इसको देखते हैं हमें किस तरह से हमने टर्म बनानी है सबसे पहले हमारे पास सिक्स है उसके बाद थर्टीन है ट्वेंटी है ट्वेंटी सेवन है ये चार जो टर्म है फर्स्ट फोर टर्म ये तो हमें ऐसे नज़र आएगी मिल जाएंगी इससे जो नेक्स्ट वाली होगी वो, वो खुद जनरेट करके देगी वो एक मशीन ऐसी होगी वो एक ऐसी जनरल टर्म होगी जो एक में खुद से जनरेट करेगी ये फोर्थ टर्म है फिफ्थ हम फाइव पुट करेंगे तो फिफ्थ टर्म मिल जाएगी सिक्स पुट करेंगे सिक्स टर्म मिल जाएगी कैसी टर्म हमें देगी वो जनरल टर्म हमने वो फाइंड करनी है फर्स्ट टर्म हम बनाना चाह रहे हैं फर्स्ट टर्म बनाने के लिए हमने क्या किया सिक्स है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं सेवन को मल्टीप्लाई करते हैं वन के साथ और हमने सिक्स बनाना है क्योंकि फर्स्ट टर्म तो हमारे पास मौजूद है हमें आइडिया मिल रहा है यहाँ से हिंट मिल रहा है तो सात को हमने एक से मल्टीप्लाई किया तो ये साथ ही रहा फिर इसमें से एक निकाल दिया जब सात में से हमने एक निकाला तो हमें क्या मिला सिक्स यही फर्स्ट टर्म है इसके बाद तरतीब से फिर सेवन था हमने सेवन को टू से मल्टीप्लाई किया तो सात दो चौदह फिर उसमें से एक निकाला तो हमें मिला थर्टीन देखिए तो सेकेंड टर्म मिल गई फिर नेक्स्ट ए थ्री तो यहाँ पर देखें सात वैसे लिख लेंगे सेवन वैसे ही आता जा रहा है लेकिन इसमें चेंजिंग होती है यार नेक्स्ट नंबर आ रहा है यहाँ पर आ गया तीन सात तीन इक्कीस इक्कीस में से एक निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा बीस थर्ड टर्म यही है फिर नेक्स्ट ए फोर फोर्थ टर्म देखें यहाँ पर सेवन सेवन के बाद यहाँ पर थ्री के बाद फोर आता है और यहाँ पर वन वैसे आ गया सात चार अट्ठाईस अट्ठाईस में से एक निकाला तो ये आ गया सत्ताईस चौथी टर्म में मिल गई अब ये इस तरह चलती जाएगी इस तरह से चलती जाएगी ये 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 आ गया अब यहाँ पर देखें वन टू थ्री फोर ये बढ़ता जा रहा है फाइव सिक्स सेवन एट ये चलता जा रहा है तो इसका मतलब इसको एन तक लिख लेंगे इसकी जगह पर एन आ जाएगा क्योंकि हमने जनरल टर्म इसकी बनानी है जनरल टर्म के एन यूज़ होता है अब एन क्यों यूज़ होता है इस चीज़ की भी आपको आगे समझ आ जा जाएगी अब यहाँ पर देखें सेवन सेवन सब सब के साथ सेवन आ रहा है थे उसको सेवन यहाँ पर कॉन्सटेंट है ये यही रहेगा इसमें चेंजिंग नहीं आएगी यहाँ पर देखें वन टू थ्री फोर फोर के बाद क्या आता है फाइव फाइव के बाद सिक्स तो यहाँ पर आ जाएगा एन ये बढ़ता जाएगा जैसे ये वन टू थ्री फोर अप टू सो सेवन एन तक पहुँच गया इसी तरह ये भी एन तक पहुँच जाएगा ठीक होगा जी और यहाँ पर देखें वन वन इसमें हर एक हर एक टर्म में से वन को सब्टेक्ट किए जा रहे हैं तो यहाँ भी वन सब्टेक्ट होगा तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो जनरल टर्म है वो क्या आई ए एन सेवन एन माइनस वन ये इसकी जनरल टर्म हमें मिल गई है ये इसका आंसर है लेकिन फिर मैं बताना चाह रहा हूँ अब इसके अंदर आप एन की जगह पर अगर वन पुट करेंगे तो आपको इसकी फर्स्ट टर्म मिलेगी टू पुट करेंगे तो सेकेंड टर्म थर्ड पुट करेंगे थर्ड टर्म फोर्थ पुट करेंगे तो फोर्थ टर्म फाइव पुट करेंगे फिफ्थ टर्म ये जनरल फॉर्म हमें मिल गई जनरल टर्म हमें मिल गई जिसे हम हर ए को टर्म को आसानी से निकाल सकते हैं फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो है जी नेक्स्ट सेकंड पार्ट है इसकी हमने जनरल टर्म फाइंड करनी है तो यहाँ पर देखें सबसे पहले हमने फर्स्ट टर्म बनानी है अपने दिमाग के साथ ताकि सेकंड टर्म उसी हिसाब से मिल जाए अब फर्स्ट टर्म हमारे पास फ़ाइव है तो मैं अगर ऐसा करूँ टू इंटू वन प्लस थ्री दो को एक के साथ जरप दूँ फिर तीन में जमा करूँ तो क्या बन जाएगा फाइव बन जाएगा फिर यहाँ पर ए टू यहाँ पर टू वैसे ही आ जाएगा ए के बाद दो, दो दो चार चार में तीन ऐड करूँ तो सेवन सेकेंड टर्म मिल गया हमें फिर थर्ड टर्म टू इन टू ये वैसे ही आता जा रही है अब तो यहाँ टू कॉन्सटेंट है यहाँ जिन में रखना है ये चेंजिंग हो ये वेरी कर रहा है वेरिएबल के तौर पर तो यहाँ पर देखें थ्री आ गया तीन दो छीन नौ थर्ड टर्म मिल गया हमें इसी तरह ए फोर टू वैसे ही थ्री के बाद फोर और यहाँ पर थ्री दो चार आठ आठ में तीन ऐड करें तो ग्यारह ठीक हो भाई नेक्स्ट अब यहाँ पर देखें ये इसी तरह चलता जाएगा अप टू सोन अब हमें चाहिए दरअसल यहाँ पर जनरल टर्म चाहिए तो यहाँ पर ए फोर है वन से लेकर टू फिर थ्री फिर फोर इसी तरह चलता जा रहा है तो ये आ जाएगा ए एन इसी तरह इक्वल में टू वैसे आ गया यहाँ पर देखें वन टू थ्री फोर अप टू सोन चलता चलता जैसे ये एन तक पहुँच गया ये भी एन तक चला जाएगा और हर एक के साथ हर एक टर्म में थ्री ऐड हो रहा है तो ये जनरल टर्म यहाँ से हमें मिल गई ये जनरल टर्म ऐसी टर्म है इसमें आप वन टू थ्री इस तरह से कोई भी वैल्यू पुट करेंगे वन पुट करेंगे फर्स्ट टर्म टू पुट करने से सेकेंड टर्म थ्री पुट करने से थर्ड टर्म हमें इस तरह से मिलती जाएगी तो ये इसमें रिक्वायर्ड टर्म हमें मिल गई जी थर्ड पार्ट हमारे पास है फोर नाइन फोटीन नाइनटीन अप टू सो ऑन हमने यहाँ से जनरल टर्म फाइंड आउट करनी है तो जनरल टर्म आ, हमने निकालनी है तो यहाँ पर देखें हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म बन रही है वो कैसे बनाएंगे ए वन फर्स्ट टर्म हमारे पास फ़ोर है तो हम इस तरह से नंबर्स को ब्रेक करेंगे कि हमें फ़ोर मिल जाए तो यहाँ पर देखें फ़ाइव इंटू वन पाँच को एक से जर्व करें पाँच आ गया इसमें से एक निकाल लें तो क्या आएगा फोर आ जाएगा फर्स्ट टर्म मिल गई हमें फिर सेकेंड टर्म फाइव वैसे आएगा ये कॉन्सटेंट रहेगा इसमें चेंजिंग आएगी फाइव इस वन के बाद टू आएगा फिर पाँच तो दस दस में से एक निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा नाइन इस तरह नेक्स्ट ए थ्री फर्स्ट टर्म बनाना मुश्किल है बाकी आसानी से बनता जाएगा आपको फाइव वैसे ही आ गया कॉन्सटेंट था टू के बाद आता है थ्री पाँच तीन पंद्रह पंद्रह में से एक निकालेंगे तो ये आता है फोरटीन तो फोरटीन थर्ड टर्म मिल गई इसी तरह ए फोर फाइव वैसे कॉन्सटेंट रहेगा यहाँ पर आ गया फोर पाँच और बीस बीस में से एक निकालेंगे तो यहाँ पर आ गया नाइनटीन ठीक होगा जी नेक्स्ट ये फोर्थ टर्म में मिल गई इसी तरह हमें जनरल टर्म चाहिए ये अप टू सो ऑन नेक्स्ट अब यहाँ पर देखिए वन टू थ्री फोर फोर के बार फाइव सिक्स सेवन ये चलता जाएगा तो यहाँ पर इसको जनरल टर्म के लिए एन यूज करेंगे इसी तरह यहाँ पर फाइव वैसे ही आ रहा है हर एक के साथ तो मतलब तो ये हर टर्म में इस तरह से मल्टीप्लाई होगा फाइव तो।, तो तो ये फोर के बाद फाइव सिक्स सेवन यहाँ पर एन आ जाएगा और यहाँ पर माइनस वन तो ये हमारे पास यहाँ पर जनरल टर्म हमें मिल गई तो यही इसका सोलूशन था जी नेक्स्ट फोर फोर पार्ट हमारे पास टू ट्वेल्व ट्वेंटी टू थर्टी टू अप टू सो ऑन यहाँ पर फोर पार्ट में मिल गया इसमें हमने जनरल टर्म बनानी है तो इसके लिए सबसे पहले देखें हमारे पास फर्स्ट टर्म के लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी टेन इंटू वन माइनस एट दस को मैंने एक से तरफ किया दस एक दस दस में से आठ निकाला तो यहाँ पर आ गया टू यहाँ पर देखें फर्स्ट टर्म हमें मिल गई फिर सेकंड के लिए सेम ये कांस्टेंट रहेगा टेन वैसे इसके बाद क्या आता है टू फिर ये वैसे ही रहेगा सिर्फ ये वेरी करे वेरी वेरीबल के तौर पर होगा तो ये वेरी करता जाएगा मतलब ये चेंज चेंज होता जाएगा तो यहाँ पर दस दो बीस बीस में से आठ निकाले तो यहाँ पर आ गया बारह फिर ये थर्ड टर्म निकालनी ये टेन कॉन्सटेंट रहेगा और यहाँ इसके बाद थ्री ये एट भी कॉन्सटेंट रहेगा और दस तीन तीस तीस में से आठ निकाले तो यहाँ पर आ गया बाईस थर्ड टर्म मिल गया हमें नेक्स्ट ए फोर ये दस वैसे चार दस चार चालीस चालीस में से आठ निकालेंगे तो ये आ जाएगा बत्तीस ठीक भाई इसी तरह ये चलता जाएगा अप टू शो ऑन तो यहाँ पर देखें ए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये चलता जाएगा तो इसको हमने जेनरल टर्म के लिए ए एन कर लिया ये टेन कॉन्स्टेंट रहेगा और यहाँ पर इसकी जगह एन आ जाएगा माइनस एट तो ये हमारे पास यहाँ पर जेनरल टर्म इसमें मिल जाती है ठीक हो जी तो यहाँ पर फोर पार्ट जो है वो भी कम्प्लीट होता है और क्वेश्चन नंबर जो सिक्स uh, है वो कंप्लीट हो गया यहाँ पर जी डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेवन क्वेश्चन है इसमें कहता है फाइंड थर्टी टर्म फ्रॉम द फॉलोइंग जनरल टर्म इसमें हमारे पास इसमें इसके फोर पार्ट हैं और हर एक में अलग अलग जनरल टर्म दी गई हैं कहता है कि जो तीसवीं टर्म है थर्टी टर्म जो है वो आपने रकम जो है वो फाइंड करनी है तो यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास जो डाटा गिवन है उसको देखते हैं और उसकी मदद से हम इसकी जो तीसवीं है या जो थर्टी टर्म है वो हम आ, फाइंड करेंगे सबसे पहले यहाँ पर देखें तो हमारे पास हमने फाइंड करनी थर्टी टर्म तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास एन जो है वो थर्टी है पहली बात ये है ठीक होगा जी तो यहाँ पर जिधर जिधर एन है उधर हम थर्टी पुट कर देते हैं और थर्टी टर्म एम फाइंड हो जाएगी तो यहाँ पर लिखेंगे जी थर्टी एन की जगह पर लिखेंगे थर्टी नेक्स्ट टू इन टू थर्टी एन की जगह प्लस वन यहाँ पर आ गया एर्टी तीसवीं टर्म फिर तीस को दो से मल्टीप्लाई किया सिक्सटी प्लस वन ये आ गया एर्टी सिक्सटी में वन ऐड किया तो सिक्सटी वन तो ये हमने तीसवीं थर्टी जो है टर्म वो फाइंड कर ली नेक्स्ट इसमें देखते हैं इसका सेकंड पार्ट उसमें हमने इसकी थर्टी टर्म फाइंड करनी है तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है वो एन है मतलब तो एन हमारे पास यहाँ पर क्या है थर्टी है तो एन की जगह पर हम थर्टी लिखेंगे सिंपल तो इधर भी थ्री इंटू थर्टी प्लस फोर तो यहाँ पर आ गया एर्टी तीन जीरो ज़ीरो तीन तीन नौ प्लस फोर ए थर्टी नाइन्टी में फोर ऐड करें तो नाइन्टी फोर आता है तो ये हमारे पास क्या आ गया थर्टी टर्म आ गया ठीक हो भाई जी नेक्स्ट नेक्स्ट थर्ड टर्म हमारे पास सॉरी थर्ड पार्ट हमारे पास इसमें भी हमने थर्टी टर्म फाइंड करनी है तो एन हमारे पास थर्टी हो गया जिधर जिधर एन होगा उधर हम थर्टी पुट करते जाएंगे ये आ गया पाँच सिफर सिफिर पाँच तीन पंद्रह यहाँ पर आ गया टू एट थर्टी एक सौ पचास में से दो को तफरीक करें तो ये बनता है एक सौ अड़तालीस तो ये हमारे पास उसकी थर्टी टर्म आ गई ठीक हुआ जी नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है जी फोर पार्ट इसमें भी एन हमने थर्टी है मतलब थर्टी टर्म फाइंड करनी है तो एन की जगह हम थर्टी पुट करते जाएंगे इधर भी थर्टी आ जाएगा यहाँ पर भी थ्री इंटू थर्टी प्लस वन तो नेक्स्ट तीन को थर्टी से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है नाइन्टी नाइन्टी प्लस वन हो गया नेक्स्ट थ्री ओवर यहाँ पर थ्री ओवर ये सॉरी इधर थ्री नहीं इधर टू है ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है दो दो था इधर दो था हमने तीन बना लिया दो को तीन से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया साठ तो साठ में एक ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा सिक्सटी वन तो ये हमारे पास इसकी थर्टी टर्म आ गई मतलब ए थर्टी इसकी हमने फाइंड कर ली तो ये, ये क्वेश्चन नंबर सेवन यहाँ पर कंप्लीट होता है जी जी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट है इसमें कहता है द जनरल टर्म्स ऑफ द नंबर सिक्वेंस आर गिवन लिस्ट द फर्स्ट फोर टर्म फॉर ईच सीक्वेंस हमने हर एक सीक्वेंस की फर्स्ट फोर टर्म फाइंड करनी है वो हमें चाहिए हमारे पास जनरल टर्म हर एक पार्ट्स के अंदर गिवन होगी तो क्वेश्चन नंबर एट के फोर पार्ट हैं तो हर एक में अलग अलग जनरल टर्म मौजूद है जैसा कि ये फर्स्ट पार्ट है इसमें यह जेनरल टर्म मौजूद है हमारे पास हमने इसमें फर्स्ट फोर टर्म फाइंड करनी है तो फर्स्ट फोर टर्म फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ए वन ए जो है यहाँ पर एन uh, है एन एन को हम वन बुट करेंगे जब एन की जगह हम वन रखेंगे तुम्हारे पास इसकी फर्स्ट टर्म मिल जाती है तो यहाँ पर देखें एन की जगह मैं वन लिखूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा ए वन थ्री इंटू वन प्लस फाइव तीन एक तीन पाँच में ऐड करें तो आठ आ गया ये इसकी फर्स्ट टर्म आ गई नेक्स्ट फिर एन को हम टू रखते हैं तो जिधर जिधर एन होगा उसके जगह हम टू पुट करते जाएंगे तो ए टू इज़ इक्वल टू थ्री इंटू टू प्लस फाइव तीन दो छः छः में पाँच ऐड करें तो ग्यारह नेक्स्ट एन थ्री जिधर एन होगा उधर हम थ्री पुट करेंगे तो ए थ्री थ्री इंटू एन की जगह थ्री प्लस फाइव तीन तीन नौ नौ में पाँच ऐड करें तो फोर्टीन आ जाता है ठीक होगा जी नेक्स्ट फिर फोर्थ टर्म भी हमने फाइंड करनी है तो एन फोर एन की जगह फोर लिख फोर लिखेंगे सॉरी और यहाँ पर आ गया थ्री इंटू फोर प्लस फाइव तो यहाँ पर तीन चार बारह प्लस फाइव इनको ऐड करें तो सेवनटीन हमें फर्स्ट फोर टर्म चाहिए थी वो रिक्वायर्ड थी तो हमने फाइंड कर ली तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फर्स्ट फोर टर्म्स आर तो फर्स्ट फोर टर्म कौन सी है यहाँ पर एट इलेवन, फोरटीन सेवनटीन ये इसकी फर्स्ट फोर टर्म है ठीक होगा जी नेक्स्ट हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ तो यहाँ पर हमने फाइंड करनी है जी इसकी फ़र्स्ट फोर टर्म तो सबसे पहले जेनरेटर मौजूद है हम इसमें जो है एन को वन रखेंगे ताकि फर्स्ट टर्म मिले तो एन की जगह वन रखें तो ये यह ए वन यहाँ पर एट इंटू वन प्लस टू आठ एक आठ प्लस दो इसको ऐड करें तो ये बनता है आठ और दो दस यहाँ पर एन को हम टू रखेंगे सेकेंड टर्म के लिए तो ए टू और यहाँ पर एट इंटू टू प्लस टू आठ दो सोलह जमा दो सोलह में दो ऐड करें तो अठारह आ गया इसी तरह एन की जगह रखेंगे थ्री तो ए थ्री एट इंटू थ्री प्लस टू आठ तीन चौबीस चौबीस में दो ऐड करें सॉरी आठ तीन चौबीस हो गया प्लस टू चौबीस और दो छब्बीस नेक्स्ट एन फोर ए की जगह फोर सॉरी एन की जगह फोर लिखेंगे एट इंटू एन की जगह फोर आ गया प्लस टू आठ चार बत्तीस बत्तीस में दो ऐड करें तो ये बनता है छत्तीस बत्तीस में दो ऐड करें तो ये बनता है छत्तीस तो यहाँ पर सॉरी चौंतीस बनता है बत्तीस में दो ऐड करें तो चौंतीस बनता है फर्स्ट फोर टर्म हमने फाइंड कर ली तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि यही हमें रिक्वायर्ड थी तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फर्स्ट द फर्स्ट फोर टर्म आर क्या है जी टेन एटीन ट्वेंटी सिक्स थर्टी फोर ये इसकी फर्स्ट फोर टर्म हमें मिल गई नेक्स्ट हम चलते हैं जिसके थर्ड पार्ट की तरफ इसमें हमने फ़र्स्ट फोर टर्म फाइंड करनी है तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम जो एन है उसको वन रखेंगे ताकि हमें फर्स्ट टर्म मिले तो एन की जगह वन रखा फाइफ इंटू वन स्केयर प्लस वन वन फाइव ऐसे आ गया वन का स्केयर वन प्लस वन पाँच एक पाँच, पाँच प्लस वन इसको ऐड करें तो फर्स्ट टर्म इसकी सिक्स मिल गई हमें ठीक हो भाई इसी तरह एन को हम रखते हैं जी टू सेकेंड टर्म के लिए तो यह ए टू आ जाएगा फाइव इंटू टू, टू स्केयर प्लस वन फाइफ टू का स्केयर करें तो फोर प्लस वन फाइव फोर ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी में वन एड करें तो ट्वेंटी वन नेक्स्ट एन इज इक्वल टू थ्री जिधर एन है उधर हम थ्री रखेंगे ए थ्री फाइव इन टू थ्री स्केयर प्लस वन यहाँ पर आ गया फाइव थ्री का स्केयर आ गया नाइन प्लस वन पाँच नौ पैंतालीस पैंतालीस और एक इसमें ऐड हो रहा है तो ये बन जाएगा छियालीस ठीक हो भाई नेक्स्ट एन फोर तो जिधर हम एन लिखेंगे एन की जगह पर हम फोर लिखते जाएंगे बस इतना सा काम करना है तो फाइव इंटू फोर स्केयर प्लस वन तो यहाँ पर आ गया फाइव फोर का स्केयर चार चार, चार सोलह प्लस वन पाँच को सोलह से सोलो पाँच अस्सी और एक इसमें ऐड हो रहा है तो इसमें ऐड करें तो अस्सी और एक इक्यासी वन टू थ्री फोर फर्स्ट फोर टर्म हमने फाइंड कर ली तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट फोर टर्म आर फर्स्ट फोर टर्म कौन सी सिक्स ट्वेंटी वन फोर्टी सिक्स 81 ये फर्स्ट फोर टर्म हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली यही हमें रिक्वायर्ड थी नेक्स्ट फोर पार्ट हमारे पास इसमें फ़र्स्ट फोर जनरल टर्म मौजूद है गिवन है हमारे पास और फर्स्ट फोर टर्म फाइंड करनी है तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म के लिए एन को हम वन रखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा जी ए वन एन की जगह पर वन लिखते जाएंगे बस इतना सा काम करना है इसकी जगह वन लिखा यहाँ फोर इंटू वन प्लस ट्वेल्व चार एक चार जमा बारह बारह चार सोलह यहाँ पर आ जाएगा एन इज इक्वल टू टू नेक्स्ट एन की जगह पर टू रखा यहाँ पर आ गया फोर इंटू टू प्लस ट्वेल्व यहाँ पर चार दो आठ जमा बारह बारह में आठ ऐड करें तो ये बनता है ट्वेंटी इसी तरह एन की जगह यहाँ पर थ्री रखेंगे जिधर जिधर एन होगा अगर तो हम थ्री पुट करते जाएंगे तो यहाँ भी थ्री आ जाएगा फोर इंटू थ्री प्लस ट्वेल्व चार तीन बारह बारह और बारह इसमें ऐड करने बारह बारह में ऐड किए तो ये आ गया ट्वेंटी फोर नेक्स्ट एन की जगह फोर रखेंगे फोर्थ टर्म के लिए तो यहाँ पर आ गया ए फोर फोर वैसे जो कॉन्सटेंट साथ चल रहा है और एन की जगह पर हम फोर रखेंगे यहाँ पर आ गया प्लस ट्वेल्व चार चार सोलह सोलह में बारह ऐड करें तो ये बनता है छब्बीस और दो अट्ठाईस फोर टर्म हमने फाइंड कर ली तो यहाँ पर लिखेंगे द इसमें आ, फर्स्ट फोर टर्म्स आर सिक्सटीन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी एट ये फर्स्ट फोर टर्म हमें रिक्वायर्ड थी वो हमने फाइंड कर ली जी डी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन इसमें कहते हैं प्लांट दैट इज सेंट सेवेंटीन सेंटीमीटर टॉल ग्रोथ टू सेंटी मीटर ईच वीक फर्स्ट पार्ट इसका क्या है जी कंप्लीट द सीक्वेंस क्वेश्चन नंबर नाइन की स्टेटमेंट को अच्छे से समझे इसमें कहता है कि एक प्लांट एक पौधा जो है वो सेवनटीन सेंटीमीटर लंबा है और दूसरा फिर कहता है कि टॉल ग्रोस टू सेंटीमीटर ईच वीक हर हफ्ते वो टू सेंटीमीटर दो सेंटीमीटर बढ़ता है ठीक होगा जी तो फर्स्टेंस इसमें क्या है इसका जो फर्स्ट पार्ट में कहता है कंप्लीट द सीक्वेंस आपने सीक्वेंस कम्प्लीट करनी है ये फर्स्ट वीक कह रहा है ये सेकंड ये थर्ड वीक इसने यहाँ पर कहा है कि वो टोटल सेंटीमीटर लंबा है मौजूदा हालत उसकी जो प्रेजेंट जो उसकी कंडीशन है इसमें उसने कहा है कि वो वो है सेवनटीन सेंट, सेंटीमीटर लंबा है उसका ये कद है हाइट है उसकी तो यहाँ पर देखिए सेवनटीन सेंटीमीटर इसकी फर्स्ट टर्म होगी इसका मतलब तो सेकंड टर्म वुलूम करने के लिए हमें फर्स्ट वीक सेकंड वीक और थर्ड वीक यहां तक जाना है ये तीन हमने फिल करने हैं उसने यहाँ पर हिंट दे दिया कि दो सेंटीमीटर वो हर वीक में ग्रो कर रहा है बढ़ रहा है वो मजीद लंबा हो रहा है तो सेवनटीन में दो ऐड करें तो बनता है उन्नीस हर वीक दो दो सेंटीमीटर उसने से लंबा होना है बढ़ना है तो नाइनटीन में दो ऐड करें ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन में दो ऐड करें तो ट्वेंटी थ्री तो ये इस तरह से आपने इसको फिल आउट कर लेना है ठीक हो जी फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है नेक्स्ट हमारे पास है जी हाउ सेकंड पार्ट इसका हाउ टॉल विल द प्लांट बी आफ्टर थ्री वीक्स थ्री वीक्स के बाद वो जो है कितना लंबा होगा ये वो कह रहा है तो यहाँ पर देखें जब वो थ्री वीक पे पहुँचा था ये बात तो हमने फर्स्ट में ही कम्प्लीट देख ली थी कि थर्ड वीक में वो ट्वेंटी थ्री सेंटीमीटर था इसका मतलब यहाँ पर इसका सिंपल सा अगर हम आंसर देखें तो इसका आंसर यही बनेगा कि ट्वेंटी थ्री सेंटीमीटर इतनी उसकी लंबाई होगी बस इतना लिखना काफ़ी है यहाँ पर ठीक होगा जी नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी इसका थर्ड पार्ट है इसमें कहता है सी में आफ्टर हाउ मैनी वीक्स विल द प्लांट बी ट्वेंटी सेवन सेंटीमीटर टॉल बड़ा आसान काम बड़ा आसान क्वेश्चन है फर्स्ट जो पार्ट है उसको ही देखते हुए इसने कहा है कि कितने हफ़्तों में हफ़्तों के बाद या कितने वीक्स के बाद आफ्टर वीक्स वो जो पौधा है वो प्लांट है वो ट्वेंटी सेवन सेंटीमीटर ऊंचा हो जाएगा वो कितने वीक के बाद होगा तो यहाँ पर एक चीज़ इन में रखें जो उसने स्टार्टिंग जो फर्स्ट टर्म यहाँ पर थी या फर्स्ट टर्म कह लें या स्टार्टिंग उसका जो लेंथ थी जो उसकी लंबाई थी या ऊंचाई थी वो सेवनटीन सेंटीमीटर थी तो यहाँ पर देखें मतलब वो स्टार्ट हो रहा है सेवनटीन uh, से सेवनटीन उसकी फर्स्ट जो है शुरू में वो था फिर फर्स्ट वीक जो उसका रहा उसमें वो नाइनटीन हो गया मतलब ये फर्स्ट वीक उसका ये उसका फर्स्ट वीक है जिसमें वो उसकी जो लेंथ है वो नाइनटीन होगी फिर सेकंड वीक की बात करते हैं फिर थर्ड की फिर फोर्थ की फिर फाइव वीक की मतलब ये सेकंड वीक उसका है सेकंड वीक्स फिर थर्ड वीक्स फिर फोर वीक्स फिर फाइफ वीक मतलब उसने क्वेश्चन के अंदर यही कहा है कि आफ्टर हाउ मैनी वीक्स विल बी द्लान्टी ट्वेंटी सेवन सेंटीमीटर मतलब वो कहता है कि ट्वेंटी सेवन सेंटीमीटर कितने वीक्स के बाद होगा कितने हफ्तों के बाद होगा तो यहाँ पर देखिए सेवेंटीन के बाद ये फर्स्ट वीक में वो नाइनटीन हुआ इसमें दो और होगा क्योंकि दो में सेंटीमीटर हर वीक में इजाफा होना है ये ट्वेंटी वन हो जाएगा फिर दो इसमें ऐड करें तो ये तेईस हो जाएगा फिर इसमें दो ऐड करें तो ये पच्चीस हो जाएगा फिर इसमें दो ऐड करें तो ये सत्ताईस सेंटीमीटर हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने काउंट कर लिया स्टार्टिंग में वो इतना था फर्स्ट वीक में ये हुआ सेकंड में ये हुआ थर्ड में थर्ड में ये हुआ फोर्थ में ये हुआ और फिफ्थ वीक में वो ट्वेंटी सेवन सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो क्या बना सो प्लांट विल बी ट्वेंटी सेवन सेंटीमीटर टॉल आफ्टर फाइव वीक उसने कहा कि ये मतलब वो पांच वीक इसी तरह जो प्लांट था वो फाइव वीक के बाद ट्वेंटी सेवन सेंटीमीटर ऊंचा हुआ हो जाएगा ठीक हो गई क्वेश्चन नंबर नाइन के थ्री पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर टेन है क्वेश्चन नंबर टेन में कहता है इब्राहिम सॉल्व फाइव क्वेश्चन ऑफ़ एन एक्सरसाइज इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन ट्वेंटी मिनट्स सेवन क्वेश्चन इन थर्टी मिनट्स नाइन क्वेश्चन इन फोर्टी मिनट्स व्हेन विल बी सॉल्व थर्टीन क्वेश्चन एंड फिफ्टीन क्वेश्चन इफ दिस पैटर्न इज कंटिन्यूड आर सो कन्वर्ट द टाइम इन टू आर एंड मिनट्स क्वेश्चन नंबर टेन जो है इसकी स्टेटमेंट पे फोकस करें इसमें कहता है कि इब्राहिम ने रियाजी की मैथमेटिक्स की बुक्स जो है किताब के पाँच सवाल बीस मिनटों में फाइव क्वेश्चन इन एक्सरसाइज सब्जेक्ट मैथमेटिक्स इन 20 मिनट्स एंड फिर कहता है कि सेवन सवाल जो सेवन क्वेश्चन है वो तीस मिनट में फिर जो क्वेश्चन है फॉर्टी मिनट में फिर हल किए इसी तरतीब को जारी रखते हुए इसी तरतीब को तरतीब आप देख रहे हैं जारी रखते हुए थर्टीन जो क्वेश्चन है और फिफ्टीन क्वेश्चन कब हल करेगा बदल तरतीब उसने ये दे दी है कि पाँच क्वेश्चन उसने आ, जो है वो बीस मिनट में किए सात उसने तीस मिनट में किए नौ उसने चालीस मिनट में किए यहाँ पर देखें दस दस मिनट का गैप दे रहा है और क्वेश्चन फाइव सेवन फिर नाइन हुए हैं ये तरतीब आपने देर में रखनी है फिर कहता है वन विल ही सॉल्व थर्टीन क्वेश्चन एंड फिफ्टीन क्वेश्चन इफ दिस पैटर्न इज़ कॉन्टिन्यूड फिर वो कहता है कि इसमें नौ जो तेरह सवाल और पंद्रह सवाल कब हल करेगा और लास्ट में उसने दूसरी बात कर दी कि आर्स कन्वर्ट तो द टाइम इन टू आर्स एंड मिनट्स फिर वो कहता है कि जो टाइम होगा उसको आपने मिनट और घंटे में कन्वर्ट भी करना है ठीक होगा जी तो सबसे पहली बात यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं एक तो हमारे पास टाइम दिया गया है और दूसरी बात यहाँ हमें इसमें टाइम भी दिया गया है ठीक होगा जी तो टाइम को हमने मिनट्स जो है इसको कन्वर्ट uh, करना है आर्थ और मिनट्स के अंदर तो सबसे पहली बात हमें दो चीज़ें यहाँ तो एक नंबर ऑफ क्वेश्चन है कि कितने क्वेश्चन होंगे और फिर उन्हीं का अलग अलग टाइम भी दिया गया है तो यहाँ पर देखें सबसे पहली जो बात उसने की है अब देखें डाटा जो हमारे पास गिवन है उस डाटा की मदद मतलब से सारा हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सारा डाटा गिवन है थोड़ा सा इसमें चेंजिंग आए थोड़ा सा नया काम करना है हमने अब यहाँ पर मतलब देखें सबसे पहले हमारे पास दो चीज़ें गिवन है हमारे पास नंबर ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन एक तो ये बात क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात कर रहा है दूसरा वो टाइम की बात कर रहा है टाइम इन मिनट्स ठीक होगा जी अब दो चीजों की यहां पर बात कर रहा है तो इन दो चीजों को हमने डिस्कस करना है अब यहां पर देखें हमारे पास जो डेटे में गिवन है वो क्या है एक तो हमारे पास इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन गिवन है और दूसरा टाइम गिवन है हमारे पास तो सबसे पहली जो बात इसमें इसमें हम टेबल बना के इसको आसानी से सॉल्व करेंगे थ्री फोर फाइव इसमें हम काउंट कर लेते हैं कितनी टर्म हमें मिलेंगी वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स यहाँ पर देखें यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन उसने जब स्टेटमेंट में ये बात की पहले वो कहता है कि पाँच क्वेश्चन है और उसमें जो टाइम है वो बीस मिनट लग रहा है फिर सात क्वेश्चन तीस मिनट नौ क्वेश्चन चालीस मिनट सबसे पहले क्वेश्चन की तरतीब देखें क्वेश्चन की तरतीब कुछ इस तरह है सबसे पहले उसने कहा फाइव क्वेश्चन फाइव के बाद कहता है सेवन क्वेश्चन फिर कहता है नाइन क्वेश्चन ठीक होगा जी पहले उसने ये बात की है फाइव सेवन नाइन क्वेश्चन इस तरह की बात की है फिर इसमें हमारे पास क्वेश्चन में कहता है कि जब फाइव क्वेश्चन की बात करता है तो उसमें टाइम जो लगता है वो ट्वेंटी मिनट का लगता है जब सेवन क्वेश्चन की बात अपनी बुक्स अपने पास रखें जरा आसानी हुई क्वेश्चन समझने में जब वो सेवन क्वेश्चन की बात करता है तो यहाँ पर थर्टी थर्टी मिनट लगते हैं जब वो नाइन क्वेश्चन की बात करता है तो उस वक़्त उसको चालीस मिनट लगते हैं अब यहाँ पर देखें हमने गौर इस बात पे करना है कि फाइव से सेवन कैसे आया सेवन से नाइन कैसे आया इनमें गैप कितना था तो फाइव में क्या ऐड सब्जेक्ट किया कि सेवन आया तो फाइव में हमने टू ऐड किया फिर सेवन आया फिर इसमें सेवन में टू ऐड किया नाइन आया तो इसका मतलब इसका जो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो टू का आ रहा है कैप इसमें कितने का टू का है फाइव में टू का ऐड करने सेवन आया सेवन में टू ऐड करने से नाइन आया और नाइन में क्या ऐड करने से टू ऐड करेंगे तो आएगा इलेवन फिर दूसरी बात हमें चाहिए थर्टीन क्वेश्चन पे टाइम जितना लगेगा वो और फिफ्टीन क्वेश्चन पे कितना लगेगा हमने फिफ्टीन तक जाना है तो यहाँ पर थर्टी अलेवन में टू ऐड करें तो ये बनता है थर्टीन थर्टीन में टू ऐड करें तो ये बनता है फिफ्टीन मतलब हमने इसमें टू टू का गैप हमें मिला जो डिफरेंस मिला हमें वो टू टू का मिला फिर हम आ जाते हैं टाइम की तरफ यहाँ पर देखें बीस मिनट लगे पहले फिर तीस मिनट फिर चालीस मिनट तो यहाँ पर देखें बीस से तीस जो इन इनमें गैप देखें इनका डिफरेंस निकाल लें तीस में से बीस निकाल लें तो आंसर आता है दस फिर चालीस में से तीस निकाले जैसे हम डिफरेंस निकालते हैं कॉमन डिफरेंस जो होता है तो वो भी इसका भी डिफरेंस आता है दस मतलब बीस में दस ऐड करें तीस बनता है तीस में दस ऐड करें चालीस बनता है चालीस में क्या ऐड करेंगे दस ऐड करेंगे तो वो बनता है पचास फिर पचास में दस ऐड करेंगे तो बनता है साठ साठ में दस ऐड करेंगे तो बनेगा सेवनटी ठीक होगा जी ये डिफरेंस रहा अब हमें हमारी ज़रूरत थी कि थर्टीन क्वेश्चन अगर हल करने हैं तो उसके लिए टाइम कितना लग रहा है सिक्सटी ये मिल गया हमें फिर हमें जरूरत थी कि जब फिफ्टीन क्वेश्चन हल करें तो उसमें टाइम कितना लगना है सेवनटी ये दो चीज़ें हमें चाहिए थी वो हमने फाइंड कर लिया फिर उस साथ वो ये भी कह रहा है कि आर सो कन्वर्ट द टाइम इन टू आर्स एंड मिनट अब हमारे पास जो टाइम है इसको हमने आर्स के अंदर कन्वर्ट करना है ठीक हो जी तो यहाँ पर देखें आर्स एंड मिनट्स के अंदर तो अगर हमारे पास टाइम इसमें जो दिया गया है वो हमारे पास ये थर्टीन क्वेश्चन की बात कर रहा है और फिफ्टीन क्वेश्चन की इनका टाइम हमने जो निकाला है वो एक का सिक्सटी निकाला है सिक्सटी मिनट निकाला है और दूसरा हमने सेवेंटी मिनट निकाला है अब इसको हमने आर दिन मिनट्स के अंदर कन्वर्ट करना है मिनट्स में पहले मौजूद है इसको आर में कन्वर्ट करेंगे जो रह जाएंगे मिनट्स उसको मिनट्स में लिख लेंगे कैसे तो यहां पर मैं लिखूंगा ही विल सॉल्व थर्टीन क्वेश्चन वो जो थर्टीन सवाल हल करेगा क्वेश्चन इन कितने मिनट्स में उसने किए हैं सिक्सटी मिनट में कितने सिक्सटी मिनट्स के अंदर उसने ये थर्टीन क्वेश्चन हल किए हैं अब सिक्सटी मिनट को जब हम आर्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो सिक्सटी एक घंटे में तीस मिनट होते हैं तीस को तीस में कन्वर्ट डिवाइड करें तो इसका आंसर आता है वन मतलब इसका सिक्सटी मिनट जो होते हैं उसमें एक आर्स के इक्वल होता है तो ये आर्स में कन्वर्ट हमने कर लिया दूसरी बात के उसने जो सेवेंटी uh, मिनट्स के अंदर उसने फिफ्टीन क्वेश्चन किए हैं उसको भी हम आर एंड मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पर लिखा है ही विल सॉल्व कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये मिनट्स में तो पहले ही है आर और मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो ये जो ये जो ये जो पार्ट है ये आपको बताएगा कि वो आर्स और मिनट्स में कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं तो ही विल सॉल्व फिफ्टीन क्वेश्चन क्वेश्चन इन सेवनटी मिनट्स सत्तर मिनट्स के अंदर आ, आर्थ कितने होते हैं मिनट कितने रह जाते हैं यहाँ पर देखें सेवेंटी में देखें इसमें हमारे पास टोटल जो है सिक्सटी मिनट का एक घंटा होता है एक आर्थ होता है तो यहाँ पर अगर हम इधर लिख लेते हैं तो एक घंटा मतलब वन आर्स एंड टेन मिनट तो हमारे पास सेवेंटी मिनट्स में एक घंटा वन आवर दैन टेन मिनट्स होते हैं तो ये हमने मिनट्स आवर्स okay, और मिनट्स के अंदर भी यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर टेन जो है वो कम्प्लीट सॉल्व हो चुका है मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन का जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन है क्वेश्चन नंबर इलेवन कहते हैं कंपनी यूज टेन कार्टून टू पैक बॉल इफ द कंपनी पैक्ड ट्वेंटी बाल्स इन द फर्स्ट कार्टून ट्वेंटी फाइव बॉल्स इन सेकेंड थर्टी बॉल्स इन थर्ड कार्टून एंड दिस पैटर्न इज़ कंटिन्यूड दैन फाइंड क्वेश्चन नंबर एलेवन की स्टेटमेंट पे पहले फोकस करें कि एक जो कंपनी है उसने गेंदे पैक करने के लिए दस डब्बे इस्तेमाल किए हैं ठीक होगा जी तो दस डब्बे उन्होंने इस्तेमाल किए हैं अगर कंपनी जो है उसने पहले डब्बे में 20 गेंदे दूसरे डब्बे में 25 गेंदे और तीसरे डब्बे में 30 गेंदे डाली हैं जैसे पहले डब्बे में उसने कितने है? 25 ट्वेंटी फिर थर्टी में सेकेंड में फर्स्ट में 20 20 बाल्स सेकेंड में 25 फाइव बाल्स और थर्ड में 30 बाल्स उसने डाली हुई हैं ठीक होगा जी उसमें डब्बे में आ, पैक किए हैं तो यही तरतीब आपने जारी रखनी है तो आपने इसमें इसकी सीक्वेंस जो है इसमें सिकवेंस वे यही रहे वो आप इसकी सीक्वेंस नेक्स्ट जो टर्म है वो फाइंड करनी है तो यहाँ पर इसके क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी कि एक कंपनी है दोबारा बता देता हूँ एक कंपनी है उसने गेंदे पैक करने के लिए दस डब्बे इस्तेमाल किए हैं कितने डब्बे इस्तेमाल किए हैं दस डब्बे उन्हें गेंदे पैक करने के लिए इस्तेमाल किए हैं अगर कंपनी ने पहले डब्बे में बीस गेंदे तरतीब देख लें पहले डब्बे में बीस दूसरे में पच्चीस और तीसरे में तीस बार जो गेंदे हैं जो बाल हैं वो पैक की हैं तो यही तरतीब जारी रह, रह, रहनी चाहिए तो आपने मलूम करना है इसमें फर्स्ट पार्ट है द नंबर ऑफ बाल इन फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन कार्टून तो आपने इसमें चौथे पाँचवें छठे सातवें आठवें नौवें और दसवें डब्बे में गेंदों की तादाद मलूम करनी है ठीक होगा जी तो यहाँ पर देखें जो डाटा गिवन होता है उसकी मदद से ही हम क्वेश्चन को आगे लेकर चलते होते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो डाटा गिवन है उसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास गिवन गिवन क्या है जी नंबर ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स इन फर्स्ट कार्टून फर्स्ट कार्टून के लिए जो हमारे पास बॉल्स हैं वो कितनी है जी फर्स्ट जो डब्बा उसमें ट्वेंटी है ठीक होगा जी फिर ये हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है बुक्स अपनी बात रखें नंबर ऑफ बाल्स इन सेकंड कार्टून तो सेकंड जो है उसमें हमारे पास क्या है जी ट्वेंटी फाइव अब मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर देखें इसे नेक्स्ट जो तरतीब के साथ वैसे ही हम लिखते जाएंगे अब सेकंड में हो गया अब थर्ड भी थर्ड भी हमारे पास मौजूद है लेकिन हमें दो हमारे पास मौजूद हैं अगर लिखना चाहे तो वो भी लिख लें नंबर ऑफ नंबर ऑफ बाल्स इन थर्ड ये इसका मतलब यही होगा कि नंबर ऑफ़ के नीचे ऑफ़ और ये सारी स्टेटमेंट वैसे लिखेंगे सिर्फ थर्ड की जगह फर्स्ट लिखा फिर सेकंड फिर थर्ड ये चेंजिंग है कि बाकी सारी स्टेटमेंट वैसे रहेगी तो थर्ड जो होगी उसमें कितनी होगी थर्टी अब यहाँ पर देखें ये तीन टर्म हमारे पास मौजूद है ये समझ लें ये तीन टर्म हमारे पास मौजूद हैं हमने इससे नेक्स्ट जो टर्म है वो हमने फाइंड करनी है नेक्स्ट से मुराद इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है फोर फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन और टेन जो हमने इसकी टर्म फ़ाइंड करनी है इसका मतलब ये हुआ तो रूल ये था कि इसमें अगर हमें इसका जो डिफरेंस पता चल जाता है तो हम आसानी से इसको आ, फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर देखें इसका रू हमें समझ आ गया कि बीस थे बीस के बाद पच्चीस हुए पच्चीस के बाद तीस हुए तो इसमें जो ऐड हो रहा है वो क्या है जी वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं तो रूल हमें पता चल गया कि इसमें जो रूल अप्लाई होगा वो क्या होगा कि इसमें फ़ाइव ऐड होगा तो मैं रूल लिख लेता हूँ सो रूल इज़ फाइफ प्लस फाइव मतलब इसमें फ़ाइव ऐड होगा हर एक आने वाली टर्म में हर एक आने वाले डब्बे में जो फाइफ ऐड करते जाएंगे तो यहाँ पर देखें फर्स्ट थ्री टर्म तो हमारे पास मौजूद थी इनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन इससे नेक्स्ट जो आने वाली है जैसा कि नंबर ऑफ बाल्स इन सेकंड हो गया थर्ड हो गया इसके बाद फोर्थ ये हमें चाहिए फोर्थ कार्टून तो उसमें क्या होगा थर्टी में हम ऐड करेंगे फाइव जब थर्टी में फाइव ऐड करेंगे तो वो क्या होगा थर्टी फाइव ये हमने इसकी फोर्थ टर्म हमने निकाल ली या इसकी फोर्थ जो है इसमें हमने जो बॉक्स है वो निकाल इसमें इतने होंगे ठीक हो गया जी इतनी बॉल्स होंगी ठीक हो गया मतलब चौथे डब्बे में गेंदों की तादाद जो है वो पैंतीस होगी इसी तरह नंबर ऑफ़ आपने तो वैसे लिखना है ये मैं समझाने के लिए मतलब ये वैसे लगा रहा हूँ नंबर ऑफ फिफ्थ फिफ्थ कार्टून तो आपने लास्ट थर्टी फाइव है इसमें फाइव ऐड कर देना ये तो ये बन जाएगा फोर्टी इसी तरह नंबर ऑफ सिक्स नंबर ऑफ सिक्स कार्टून फोर्टी लास्ट इसमें फाइव ऐड कर दें तो ये बांधेगा फोर्टी फाइव इसी तरह नंबर ऑफ बाल इन सेवन सेवन कार्टून तो फोर्टी फाइव में आपने फाइव को ऐड कर लिया तो ये बन गया फिफ्टी नेक्स्ट नंबर ऑफ नंबर ऑफ बाल इन एट एट कार्टून तो इसमें फिफ्टी में फाइव ऐड करें तो ये बन जाता है फिफ्टी फाइव ठीक होगा जी नेक्स्ट नंबर ऑफ बाल्स इन नाइन कार्टून तो इसमें फिफ्टी फाइव में फाइव ऐड करें तो ये बनता है सिक्सटी ठीक होगा जी नेक्स्ट नंबर ऑफ बाल्स इन टेंथ टें कार्टून तो सिक्सटी में फाइव ऐड करें तो ये बनता है सिक्सटी फाइव तो ये हमने नेक्स्ट जो हमारे पास आ, हमें चाहिए था इसमें चौथे पाँचवें छठे सातवें आठवें नौवें और दसवें डब्बे में, में गेंदों की जो तादाद थी वो हमने यहाँ पर मलूम कर ली यही हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड थी तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट इसका पार्ट है वो कंप्लीट होता है आप चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ क्वेश्चन नंबर एलेवन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या है हाउ मैनी बॉल्स आर देयर ऑल टूगैदर इन टेन कार्टून यहाँ पर कहता है कि दस डब्बों में गेंदों की तादाद कितनी होगी तो जाहिर सी बात है जो हमने लास्ट इसमें फ़ाइंड किए हैं क्वेश्चन के अंदर तीन इसमें डब्बों की तादाद गिवन थी बाकी सात हमने फाइंड किए हैं उन सबको अब अगर हम ऐड कर लेते हैं तो नंबर ऑफ बॉल्स इन टेन कार्टून हमें मिल जाएगी तो आसान तरीका है कि इनको हम ऐड करेंगे तो यहां पर लिखेंगे नंबर्स नंबर ऑफ बाल इन टेन कार्टून सबसे पहला था क्वेश्चन बुक निकालें उसमें लिखा हुआ है ट्वेंटी था फिर ट्वेंटी फाइव था फिर थर्टी था और इसके बाद वाले हम फाइंड कर चुके हैं फाइव फाइव ऐड करने के बाद वो थर्टी फाइव इधर से भी हमें पता चल रहा है कि वो फॉर्टी होगा फिर उसके बाद फार्टी फोटी फाइव होगा फिर इसमें फिफ्टी आ जाता है फिर फिफ्टी फाइव आ जाता है फिर सिक्सटी आ जाता है और फिर सिक्सटी फाइव ये काउंट कर लें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये टेन कार्टून जो है बॉक्स हैं जिसमें ये जो है दस डब्बों की जो टोटल जो गेंदें बनती हैं वो इस तरह इस तरतीब में हमें मिली हुई हैं तो उनको हमने ऐड करना है और ऐड करने के बाद हमें इसका फैनल जो इनको ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाता है कि ये चार सौ पच्चीस गेंदें चार सौ पच्चीस बाल जो हैं वो टोटल जो दस डब्बों में गेंदों की तादाद है वो इतनी बनती है तो ये इसका आंसर मिल गया ठीक हो भाई जी नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है इसी क्वेश्चन नंबर जो इलेवन है इसी का थर्ड पार्ट है इसके स्टेटमेंट को देखते हुए द कॉस्ट ऑफ़ आल बॉल्स ऑफ़ द इफ़ द प्राइस ऑफ अ बाल इज़ रुपीज एटीन यहाँ पर कह रहा है कि एक बाल की कीमत एक गेंद की कीमत अगर अठारह रुपए हो तो गेंदों की कीमत मलूम करें मतलब जितनी सारी गेंदें थी तो सारी गेंदें तो हमें अभी फ़ाइंड की सेकंड पार्ट के अंदर उसमें कहता है कि वो चार सौ पच्चीस हैं अगर चार सौ पच्चीस से सारी गेंदें बनती हैं यहाँ पर सिर्फ़ एक गेंद की कीमत दी गई है तो मैं डाटा जो मेरे पास गिवन है उसको यूज़ करते हुए मैं यहाँ पर लिखूँगा के प्राइस ऑफ वन बाल एक बाल की जो कीमत है वो क्या है जी यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो एटीन है ठीक होगा जी एटीन हो गई फिर हमें चाहिए कि हमने इसमें जो टोटल गेंदे हैं जितनी भी गेंदे हैं उन सब की कीमत मालूम करी टोटल गेंदे थे चार सौ पच्चीस हमने लास्ट पार्ट के अंदर मालूम की वो चार सौ पच्चीस थी तो हम क्या करेंगे प्राइस ऑफ प्राइस ऑफ फोर ट्वेंटी फ़ाइव बाल्स मतलब हमने जो फोर ट्वेंटी फाइव बाल्स हैं उनकी प्राइस भी यहाँ पर फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर हमने करना क्या है जी आसान सा काम है कि चार सौ पच्चीस वो टोटल बाल बन रही हैं टोटल जो उनकी तादाद बन रही है वो कितनी है जी चार सौ पच्चीस तो एक जो बाल है उसकी प्राइस कितनी है एटीन है अठारह है तो हम एटीन से यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाएँगे जब हम एटीन से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसकी टोटल कॉस्ट आ जाती है तो मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको आता है फिर भी मैं बता देता हूँ यहाँ पर ये चार सौ पच्चीस टोटल बाल हैं एक बाल की कीमत अठारह है आठ पाँच चालीस जीरो हासिल चार आठ दो सोलह चार बीस जीरो हासिल दो आठ चार आठ चार बत्तीस बत्तीस और दो चौतीस फिर नेक्स्ट फाइव वन अंदर फाइव टू वर टू फोर दर फोर जीरो फाइव सिक्स सेवन तो ये सात हज़ार छः सौ पचास जो है वो टोटल जो गेंदे चार सौ पच्चीस गेंदें जो हैं बॉल जो हैं उनकी ये कॉस्ट बनती है रुपीज़ सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी ये इसकी प्राइस बनती है तो यहाँ पर हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो कम्प्लीट होता है इसी तरह एक्सरसाइज जो है टू पॉइंट वन वो भी कम्प्लीट होती है यहाँ पर मुझे उम्मीद है सब बच्चों को अच्छे से समझ आया होगा फिर भी किसी किस्म का इशू कोई मसला मसाई तो कॉमर्स सेक्शन में दूर आए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज नई एक्सरसाइज के साथ तब तक के लिए दौ में याद रखना अल्लाह हाफ़िज